अस्सलाम वालेकुम मेरे भाइयों, मेरे दोस्तों, क्या हाल है। अल्लाह पाक आप सब पे अपना करम फरमाए जी। वेलकम करते हैं आपको शेख पिजन पे, और जो भाई नए आ रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब करें जी। आज जो सा हमें रस दी हुई है जी, नरों को भी और मादियों को भी, और नर मादियाँ जो सा दोनों अलहदा अलहदा कर दी हैं। और एक भाई का मशवरा है कि भाई आप नर मादियाँ अलहदा अलहदा उड़ाएँ, क्योंकि ये क्रॉस खाएंगी तो फ़ायदा कोई नहीं, परफॉर्म नहीं करेंगे। जहरी बात है, नर भी कमज़ोरी पकड़ेगा और मादी भी जुमसाना नहीं उड़ेगी। और इस वजह से मैंने जुमसाना नर मादियाँ अलहदा अलहदा कर दी हैं, नर अलहदा कर दी हैं, मादियाँ अलहदा कर दी हैं। कल की परफॉर्मेंस बहुत अच्छी रही है, तो आज इनको रेस्ट दिया हुआ है, तो कल से इंशाल्लाह या मादियाँ निकलेंगी या नर निकलेंगे। ज़्यादा कबूतर मारने की ज़रूरत ही नहीं है, जो परफॉर्म कर रहे हैं वही उड़ाएँगे, उसके अलावा और कोई नहीं उड़ाएँगे। छः नर वही वाले हैं, नरों में से कोई कमी नहीं हुई है, नर सारे पूरे हैं, ठीक है। इसमें से छः नर जो है ना, ये कबूतर सारे बच्चे बैठ निकाल देने हैं, ये रंग लगे हुए पीले, बाकी कुछ पकड़े पकड़ाए हैं, तकरीबन 8-10 कबूतर पकड़े पकड़ाए हैं। ये देखें जी, ये किसी का कबूतर है, ये सीधा टावर पे। अगर ये जाल पे बैठ जाता है तो चिड़ी मारी भी हो जाएगी, चिड़ी मारी भी काफ़ी दिन से नहीं हुई है। ये देखें, ये जा रहा है, माल्टाई और जामनी रंग लगा हुआ है कबूतर को। मुड़ा तो वापस ज़रूर आएगा, अगर सीधा निकल गया फिर नहीं आएगा, क्योंकि हालत इसकी बुरी हुई है। इसी तरह ही है जी, छोड़ें चिड़ी मारी को, अपने कबूतरों का देखते हैं। ये इसमें से जो पकड़े पकड़ाए हैं वो आज चले जाएंगे, तो इंशाल्लाह बाकी अपने 6 नार इधर रहेंगे, जिनको खुराक दाना पानी सारा कुछ प्रॉपर मिलेगा। निकल गया वो, सीधा ही चला गया। तो ये जोनसा ना, हाँ खा पी हैं ये 6 मादियाँ जी, 7। वही बात आ जाती है, मैंने बाहर निकाले हैं, लेकिन मेरी बेवकूफ़ी है, मैंने इकट्ठे निकाल दिए हैं, इकट्ठे निकाल लेने चाहिए थे, क्योंकि ये जो है ना फिर दोबारा क्रॉस करना शुरू होगी थी, तो इस वजह से जो है ना मादियाँ फिर दोबारा अलहदा कर दी हैं और 6 नर अलहदा कर दी हैं। ये माशाल्लाह स्कॉट है जी मादियों का, बस ये रह गई हैं, इसमें से 4 समझ लें शॉर्ट हो गई हैं मादियाँ, नर नहीं हुए, मादियाँ शॉर्ट हो गई हैं, निकल गई हैं, बस नहीं बैठ गई हैं, वजह कोई पता नहीं, गई आसमान में ही हैं लेकिन वापसी नहीं हुई। कल लाल बादशाह नहीं आया, उससे पहले 2 मादी एक पट्ठा नहीं आया, तो इसी तरह ही है भाइयों, ये आना जाना लगा हुआ है। तो मैंने कहा चले आपसे दोस्त छोटी सी वीडियो शेयर करते हैं। बाकी तकरीबन ये देखें ना, नार उस तरफ चढ़े हुए हैं, ये सारे उस तरफ चढ़े हुए हैं। बाकी इसमें से देने वाले कबूतर टापे वाले, वो इंशाल्लाह आज दे दूँगा। बाकी ये सारे बैठे हुए हैं, टरले खोले हुए थे, इनको डंडा मारा मैंने, ये भी साथ साथ फेर रहे हैं, साथ साथ ये भी इंजॉय कर रहे हैं। मैंने कहा चलें छोटी सी वीडियोस बनाते हैं। सुबह बारिश हुई है जी, मौसम बहुत अच्छा हो गया है, तो अल्लाह पाक खैर करेगा इंशाल्लाह, हमारा जो शौक है इंशाल्लाह जारी और सारी रहेगा इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। तो आज कबूतर नहीं मारे हैं जी, इंशाल्लाह ये है कि कल इंशाल्लाह, अब वो गरले वाली बात नहीं है, 26-27 कबूतर हैं टोटल, वो इकट्ठे मारता था, कुछ बैठ जाते थे, कुछ ऊपर निकल जाते थे। अब पक्की फिरते लेनी है जी कल से मादियाँ और नर, मतलब एक दिन मादियाँ मारेंगे एक दिन नर मारेंगे जी, इकट्ठे नहीं मारने। अब ये है कि कल माशाल्लाह अच्छा काम करके आए हैं, मादियाँ भी और नर भी रवा हो गई हैं माशाल्लाह, मज़ीद और रवा हो जाएंगी इंशाल्लाह, फिर इनका प्रॉपर डाइट का सारा सिस्टम देखेंगे जी इंशाल्लाह। भाई यही छोटी सी वीडियोज़ थी, मैंने कहा भाइयों को बताएँ जी। बाकी ये देखें धूप सेक रहे हैं, सुबह बारिश माशाल्लाह पड़ी है बड़ी अच्छी। ये देखें कुछ ये बैठे हुए हैं, ये सारे कुछ ऊपर टरले चढ़े हुए हैं। बाकी चिड़ी मारी बिल्कुल लैंड हुई हुई है जी, फिलहाल नहीं आ रही है क्योंकि बहुत कम आ रही है। अब टावर पे बैठते बैठते कबूतर देखे चला गया है। बहरहाल चिड़ी मारी का शौक़ नहीं है जितना ज़्यादा, अच्छा परफॉर्म होना चाहिए कबूतरों का, कबूतर अच्छे परफॉर्म करें बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए जी। अच्छा काम करें, सुबह उड़ें, शाम तक, दोपहर तक अपनी परवाज़ दें सही, यही हमारा शौक़ है जी, यही इंजॉय करेंगे इंशाल्लाह अल्लाह के हुक्म से। जो बनेगा देख लेंगे, पूरा साल इंतज़ार करते हैं खाली इस मंथ के लिए कि यार इस मंथ में उड़ाएंगे, क्योंकि इस मंथ में चलो कुछ टाइमिंग की थोड़ी सी बंदा निकाल लेता है, बाकी ये गर्मियों के जो बाजियाँ होती हैं वो डक फिरत की वो नहीं दे सकते, उसके लिए 3-4 महीने आपको लगातार बंद होना पड़ता है, कारोबार से ख़त्म होना पड़ता है,
तो ये है इसमें, आप ये है कि सुबह कबूतर मार दे, दिन को अपना काम पे चले जाएं, तो शाम को पहले टाइम चक्कर लगा लें, असर के टाइम देख लें कबूतर आ गया ठीक है, उसको संभाल लिया बस, ये हो सकता है। इसमें ये है कि हमें टाइम मिल जाता है, उसमें नहीं मिल सकता बाजियों में। कपों में ये है कि बस चांस लग गया ना लगा तो अल्लाह के सपोर्ट था बस। यही छोटी सी वीडियोस थी। शेख पिजन को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें। अस्सलाम वालेकुम।